अस्सलामुअलैकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। रमज़ान में हर साल मैं नेबर्स, को वर्कर्स, स्कूल की टीचर के साथ कुछ ना कुछ रमज़ान की कुरीज ज़रूर शेयर करती हूँ। और इस साल हमने अलमायरा की रोज़ा खुशाई रखी थी, तो उसके लिए मैंने ये फेवर बॉक्सेस तैयार किए थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। चलिए जल्दी से देखते हैं ये किस तरीके से मैंने इनको तैयार किया है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फेवर बॉक्सेस हैं उनको किस तरह तैयार किया था वो बता दूं। यहाँ पे मैंने वुडन ट्रेज ली हैं जो मैंने डॉलर ट्री से ख़रीदी हैं, और ये मैं एक अपने तमाम सामान रखने के लिए एज अ बेस मैं इनको इस्तेमाल करूँगी। मार्कर्स की मदद से इनको इस तरह दोनों साइड से डेकोरेट कर लिया है। एक साइड पर अलमायरा फर्स्ट रोज़ा और दूसरे साइड पर इसकी जो डेट है जिस दिन रोज़ा खुशाई हमने रखी है थी उसकी उसको लिख दिया है, ताकि एक मेमोरेबल चीज़ जो है वो लोगों के पास रह सके। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले एक दुआ कार्ड जो है वो मैंने पाकिस्तान से सामान मंगवाया था उसमें से आया था, इसमें मस्तूम दुआएं शामिल हैं। उसके साथ फिर मैंने इसके अंदर ये मग ऐड किया है, ये गेन पीस का मग है जिस पर रमज़ान की ब्लेसिंग्स और ग्रीटिंग्स लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ ये बुक मार्क है जिस पर एक साइड पर ग्रीटिंग है और दूसरे साइड पर रमज़ान की तमाम डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। इसके अंदर ऑफकोर्स मैंने डेट्स रखी हैं, और फिर मैंने ये कार्डमम रोज टी जो है वो बनाई थी। उसके लिए एक प्याले में मैंने इलायची को हल्का सा कूट लिया, फिर उसके अंदर चाय की पत्ती जो है वो शामिल करके अच्छा सा मिक्स किया, फिर ड्राइड गुलाब की पत्तियाँ रोज पेटल को क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दिया। बकरीद पे मुझे ईद स्वैप पैकेज में लीना ने इस तरह रोज़ कार्डमम टी भेजी थी, और उसी से इंस्पायर होकर मैंने इसका तैयार किया है। फिर मैंने हॉबी लॉबी से ये क्राफ्ट के कंटेनर ख़रीदे हैं, और इसको मैंने इस पत्ती से फिल कर दिया है और इसको इस ट्रे में इस तरीके से अरेंज कर दिया है। उसके बाद ये है कैंडीज, हर्शीज चॉकलेट बार जिसके रैपर मैंने अपर नॉच गिफ्ट से ऑर्डर किए थे, उसका तमाम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही खूबसूरत और पन इंटेंडेड ये कैंडी रैपर्स थे। उसके साथ साथ अब देख लेते हैं कि नेबर्स, कोवर्कर्स और टीचर्स के लिए मैंने किस तरह ये पैकेट तैयार किया था। क्योंकि मग है तो मैंने ये मग केक जो है वो ख़रीद लिए हैं, और उसको जो रेगुलर पैकिंग टिश्यू पेपर होता है उसमें मैं अच्छा सा रैप करूँगी। हॉलीडे के टाइम पर भी इसी तरह मैंने मग ट्रीट्स दी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके साथ साथ इसके ऊपर ये मग रखूंगी, और जो बुक मार्क है वो रख रही हूँ, ये दावा का भी काम करेगा। इसके ऊपर रमज़ान की सारी डिटेल्स हैं, साथ में डेट्स हैं, और उसके साथ थोड़ी कैंडीज रख रही हूँ। और इसको ट्रांसपेरेंट रैप में इस तरह रैप किया है, और दोनों ही ट्रेस को मैं इस तरीके से रैप करके और फिर हेयर ड्रायर की मदद से इसको कम्प्लीटली श्रिंक रैप बना दूंगी। ये भी मैं हॉलीडे के टाइम पर शेयर कर चुकी हूँ, और उसकी तमाम डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो में मिल जाएगी। रमज़ान तो नाम ही खुशियां बांटने का है, तो ये छोटी सी एक एफर्ट थी जो हमने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस रमज़ान में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मेरी वीडियोज़ को पसंद करने का और इनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ के लिए।